आपका रिलेटिव के घर में, सो यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है, मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। ये देखिए, सी द व्यू, सो ब्यूटीफुल। ये जिया बरेली रिवर है जो ब्रह्मपुत्र को कनेक्ट करता है। गर्मी है यहाँ पे। 6 सितंबर को हम लोग वापस बैंगलोर जा रहे हैं, सो उसी का पैकिंग वीडियो है जो थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल गया होगा। तो आज पैकिंग करने वाली, क्योंकि कल मैं मायका जा रही हूँ तो उसके बाद टाइम नहीं मिलेगा। सो अभी हम लोग आज इनवाइटेड था, सो उनके घर के सामने बहुत अच्छा व्यू है, यहाँ पर रिवर है, बहुत बड़ा रिवर। सो यहाँ पे दीदी के घर पे खाना वाना खा के मैं वापस जाऊँगी, 4-5 बजे घर पहुँचूँगी, उसके बाद मैं वीडियो पैकिंग वीडियो स्टार्ट करूँगी। सो तब तक के लिए आप लोग ये सुंदर सा व्यू देखिए, ये बहुत ब्यूटीफुल लगा, इसलिए हम लोग, मैं और मेरा हबी, हम लोग घूमने के लिए आ गए यहाँ पे। सो अभी जाके खाना खाऊँगी, उसको थोड़ा सा रेस्ट करके घर चले जाऊँगी, फिर पैकिंग वीडियो करूँगी, उसके बाद आप लोग देखना। तब तक के लिए स्टे ट्यून। हमारा लंच हो गया है, इसलिए थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं अभी, थोड़े देर बाद हम निकलेंगे घर चक्कर के लिए। रेस्ट लिया, फिर फ्रेशन अप हुआ और अभी मैं बैठी हूँ पैकिंग करने के लिए। सो जब मैं आई थी बेंगलोर से 5 मंथ्स पहले, 24 मार्च को हम लोग आसाम पहुँचा था। सो तब मैंने जस्ट एक ही बैग लेके आया था, क्योंकि ज़्यादा कपड़ा नहीं था और हमें नहीं पता था इतना ज़्यादा लॉकडाउन होगा। और उसी टाइम लॉकडाउन द्वारा ही मेरी शादी भी हो गई, तो अभी ले जाने के लिए बहुत कपड़ा हो गया है। एक बैग लेके आई थी पर अभी मैं ले जा रही हूँ 3 बैग, क्योंकि ज़्यादा कपड़ा कलेक्ट हो गया, कि पहले का कपड़ा भी है और कुछ कपड़ा मेरे घर मतलब मायके में भी है, सो वो मैं कल जाके ले लूँगी। सो अभी यहाँ पे जो है मैं वो सब पैकिंग करूँगी। ये 3 बैग्स है जिसमें मैं कपड़े ले जाऊँगी, सब मेरे कपड़े नहीं होगा, मेरे हस्बैंड का भी होगा। सो मेरा जो जितना है वो सब डाल दूँगी यहाँ पर। सो ये VIP में मैं ये बैग में कुछ जो नया क्लॉथ्स है जो थोड़ा एक्सपेंसिव है, जिसको अच्छे से केयर करना पड़ता है, वो सारे कपड़े मैं यहाँ डालूँगी। और इसमें डेली वेयर और जो सलवार सूट्स है वो सब डालूँगी। और ये बैग मैं अपने हाथ पे ही लूँगी, लगेज में नहीं लूँगी, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा डेलिकेट सामान जो ईजिली ब्रेकेबल हो जाता है, वैसे टाइप का सामान, फॉर एग्ज़ाम्पल मेकअप या डेली स्किन केयर प्रोडक्ट्स, वो इधर डालूँगी। सो अभी स्टार्ट करते हैं। सो पहला मैं इसको ओपन कर देती हूँ, इसको भी ओपन, और मैं अभी अगर हम लोग जाएंगे बैंगलोर इतना जल्दी वापस नहीं आएगा, लाइक वी विल कम बैक आफ्टर ईयर मे बी। सो मैं सोच रही हूँ सारा मतलब जो जो अच्छा है, जो कपड़ा मैंने, कुछ कपड़ा मैं तो ज़्यादा दिन पहना भी, कुछ कपड़ा मैंने टच भी नहीं किया, सो ऐसे ही पड़ा हुआ था, इतना मतलब मुझे साड़ी वाड़ी इतना मैंने नहीं पहना है। सो मैं सोच रही सब कपड़ा ले जाऊँ जो मुझे पसंद है, जो मैंने वेयर भी नहीं किया, शायद वहाँ पर कुछ ओकेशन होगा तो मैं पहन सकूँगी, अगर किसी का शादी और किसी का इंगेजमेंट ऐसे कुछ होने से मैं पहन सकूँगी। यहाँ ऐसे ही पड़े रहने से अच्छा है मैं लेके वहाँ पे कभी कभी पहनूँ, या फिर वीडियो बनाने का टाइम भी पहन सकती हूँ, सो इसलिए मैं ले जा रही हूँ। सो ये है मेरा निकाह का जर्नी, जब मेरा निकाह हुआ था तब हस्बैंड का घर से
देता है लेने के लिए, सो मैं ये भी नहीं जा रही हूँ। सो ये मेरा शादी का ड्रेस है, सो सादर मेखला है, ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ आसाम। सो ये भी एक सादर मेखला है, शादी का ही ड्रेस रिसेप्शन में पहने के आता है। सो ये भी एक साड़ी है जिसको मैंने सिर्फ एक ही दिन पहना है, पर मैं ले जा रही हूँ क्योंकि वहाँ पे अगर कुछ ओकेशन होने से पहनूंगी। ये भी एक साड़ी है जो बहुत सिंपल है, लाइट वेयर है, सो ये साड़ी भी मैं ले जाऊंगी। सो ये कुछ सादों पे खिला है, सादों में कोई ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ आसाम, सो ये सब भी मैं ले जाऊंगी। एक सादा मेखला है जो मुझे मेरा भाई मतलब एक कजिन भाई ने गिफ्ट किया था, तो उसको मैंने सिलाया पर एक दिन भी वेयर नहीं किया क्योंकि जो ब्लाउज है बहुत टाइटली सिला दिया था वो टेलर ने, सो मेरे लिए नहीं होते। तो अगर मैं बेंगलोर जाके स्लिम हो जाऊँ तब तो मैं पहन सकूँगी। उसको भी मैंने ले लिया है, आई विल वेयर एवरीथिंग। सो बारी आती है ब्लाउज की, जो मैं ब्लाउज भी यही रख दूंगी क्योंकि वो वहाँ पे भी बहुत सारे। मेरा जो पैकिंग है वो इतना नीटली नहीं हुआ है कि मैं ऐसे ऐसे डाल देती हूँ, वहाँ जाके मुझे सब आयरन करके अच्छा से रखना पड़ेगा क्योंकि ये सारा जो कपड़ा है मुझे अच्छे से केयर करना पड़ेगा, जो मुझे कॉस्टली ड्रेसेस है क्योंकि अच्छे से क्या नहीं करने से उसे ख़राब हो जाएगा, एंड दैट्स आई डोंट वांट। इसलिए मैं अच्छे से वहाँ पे जाके अच्छे से प्रेस करके अच्छे से इसमें ही बंद करके रख दूँगी, अगर कभी पहनना हुआ तो पहनूँगी। तो हो गया, इसको बंद करके मैं साइड पे रख दूंगी और नेक्स्ट बैग में क्या क्या बनाने वो बनाऊंगी। सो नेक्स्ट ये बैग में काफ़ी सारा कपड़ा बनाना है, तो इसमें मैं अपना सलवार सूट्स बनाऊंगी जो कि एक पे है। उदास फेस लग रहा है, उदास फेस लेके जा रहे हो बेंगलोर पैकिंग में? हाँ। लगेज के अंदर उदास फेस, पेटीकोट भरा है। ए ओ माय गॉड, दिस इज माइन, आई डोंट नो, इसका टिकट ही नहीं हटा रहा, मैंने पहना ही नहीं, ये भी नहीं पहना और ऐसे कुछ है। कैसे करते हैं, सो लेजी इन डूइंग दिस, ऐसे से बना देती हूँ जाके ठीक कर दूंगी। जस्ट बैग में तो रहेगा ना, कुछ तो होगा नहीं। एंड इफ यू आर ट्रैवलिंग बी केयरफुल अबाउट योर लगेज गाइस, कि लास्ट टाइम इस तरह ने हमारा लगेज नहीं दिया है, आई मीन एक बैग लॉस्ट कर दिया, हमें नहीं मिला है। सो इस बार मुझे बहुत चिंता हो रहा है, आई विल हम इंडिगो से जा रहे हैं तो मैं अच्छे से कह दूँगी वो
जो एयरलाइंस में जो भी होगा काउंटर पे, बिकॉज एक ही बार ऐसे इंसिडेंट होने के बाद फिर से होने का चांसेस होते हैं और डर भी लगता है, क्योंकि इस बार तो बहुत ऐसे कपड़े हैं जो कि बहुत सेंटिमेंट जुड़ा है उस सब कपड़े से, मैरिज का कपड़ा है, सो डर नहीं होना चाहती हूँ। सो आप लोग भी केयरफुल रहिए अगर आप लोग भी ट्रैवल कर रहे हैं। सो हो गया मेरा कुछ सलवार सूट्स बेडशीट भरा के, सो अभी मैं भराऊंगी डेली यूज़ कपड़ा जो मैं डेली यूज़ करती हूँ। कुछ कपड़ा मैंने नहीं भरा है क्योंकि मैं इन दिनों भी यूज़ करूँगी, सो वो सब बाहर ही है। सो जो डेली यूज़ का कपड़ा है जो मैंने शादी में खरीदा था, पहना था बैंगल्स, इयर रिंग्स और ये कमरबंद, तो ये भी मैं ले जाऊँगी कभी कभी पहन सकूँगी। इसको मैं यहाँ रखूँगी, आई शेडो ये सब। और इस बैग में है स्किन केयर, क्रीम, सीरम, बॉडी लोशन, परफ्यूम, उसके साथ दो मिरर भी है, तो मैं यहीं रख दूँगी। सो ये दोनों बैग में यहाँ भरा दूँगी करके। तो ये बैग इतना भारी नहीं होगा, इतना ही ये दोनों ही चीज आएगा, इतना नहीं डालूंगी मैं यहाँ पे, क्योंकि और भी कुछ ईटेबल थिंग्स होगा जो घर पे बना के देगा वो सभी डालना पड़ेगा, उसके लिए भी स्पेस चाहिए, तो उसको मैं एम्प्टी रखूँगी, ये इसकी दोनों से रखूँगी। एंड जो मेरा शूज़ वगैरह है, जो स्लीपर्स है वो जस्ट इतना नहीं है, दो तीन स्लीपर्स है, तो इधर ही डालूँगी बाद में। सो या यही था मेरा एक पैकिंग वीडियो, होप सो आप लोगों को अच्छा लगा, एंड अच्छा लगा तो सपोर्ट करना चैनल को, एंड बहुत जल्द एक नया वीडियो लाऊंगी मैं अपना जर्नी का एंड माय वर्स्ट एक्सपीरियंस विद विस्तारा। मैं सोच रही हूँ एक वीडियो बनाऊँ उसके बारे में, सो होप सो मैं बैंगलोर जाके बनाऊंगी। एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो सपोर्ट करना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।